उदयपुर जिले में गोवर्धन विलास थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, लोडेड अवैध पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें उदयपुर के एसपी भुवन भूषण यादव द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्षेत्र में हथियारों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस टीम ने मेलड़ी माता हाईवे नेला थाना गोवर्धन विलास क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक अवैध पिस्टल व एक जिंदा कारतूस के साथ अभियुक्त किस्मत अली उर्फ सेजा, पिता मुनसुफ अली उम्र 37 वर्ष निवासी 327 गली नंबर 9 के पास कृष्णापुरा थाना भोपालपुरा हाल निवासी पलदुड़ा हाउस के सामने किराए के मकान में सविना थाना उदयपुर जिला उदयपुर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि किस्मत अली उर्फ सेजा पिता मुनसुफ अली उम्र 37 वर्ष जो कि भोपालपुरा का रहने वाला है और वर्तमान में यह किराए के मकान में सविना में निवास कर रहा है। अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने, मारपीट व पर्यटन अधिनियम में कुल 6 प्रकरण दर्ज है। कार्रवाई करने वाली टीम में राव अजय सिंह पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना गोवर्धन विलास, धर्मेंद्र सिंह बाघेला उप निरीक्षक, दिनेश सिंह कांस्टेबल, भगवती लाल कांस्टेबल, हेमंत कुमार कांस्टेबल, सभी का सराहनीय योगदान रहा।